Amen? Okay. ये गाने के कवि, ये गाने के कवि कौन है? आनंद इसमें तीन से भाग तो हम उसको बारह पाई पाए अगर तेरह दिन है तो और क्या हुआ है? तेरह पाई में करीब कौन है? आनंद अब इसमें छोड़ने घटना नहीं कहा जरूरत अब इसको लिखेंगे बारह पाई प्लस पाई पाई बोलिए और उसी में से दो भाग कौन से रहे देखो बारह और एक ठीक है अब तीन से भाग दे दीजिए और प्लस ठीक है और अब आ गया कौन एंगल यानी कि नोट अब आ गया तो हॉरिजॉन्टल है तो उसी तरफ फेंको थीटा एंगल कितना है और पाई बाई थ्री आ गया और अब जा रहे हैं तीन चार कौन क्वाड्रेंट है सही जवाब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सही जवाब और पाई इवेंट है तो दाया हॉरिजॉन्टल के दाया वाला साइड में अब प्लस है तो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़े तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिमाग में बैठा ना क्वाड्रेंट इसीलिए आपको फिर क्वाड्रेंट एक और उसको वर्क करके आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी फंक्शन पॉजिटिव होता है ये पॉजिटिव होगा और ये किया हो गया फर्स्ट फाइव है जो स्टार डिग्री अब फिर अब लिखते हैं और 570 डिग्री अब डिग्री में आ गए भी और क्या हमको मालूम तो सबसे पहले डिग्री को हम क्या करेंगे रेडियन में बदलेंगे और रेडियन में बदलने के बाद तब तो उसको हॉरिजॉन्टल में बदल लेंगे तब आसानी से मां ठीक है तो डिग्री आएगा तो हम क्या करेंगे पहले रेडियन में बदल लेंगे तो कंसेप्ट हम लोग सब सीखे हुए हैं 570 गुना एक डिग्री एक डिग्री का मान भारी बनता है 100 हो गया 0 से 0 कट गया अनैसिया और छह तिर का बोलिए जी तो आ गया कॉस अनैस पाई बटा अब क्या करें